सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत करता थोड़ा सारे का मीत अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अज तुहाडे लई बहुत वधिया रिक्रूटमेंट अपडेट लैके आया हाँ, जो कि पंजाब के कैंडीडेट लई निकल के आ चुके हैं जी, जिस दे विच पंजाब पोस्ट ऑफिस के वैकेंसीज जिहड़ियां ने जी वो आउट की गई ने। 10वीं 12वीं और ग्रैजुएशन वाली कैंडीडेट लई एलीजिबल ने, अपलाई कर सकते हैं। इस दे विच कोई तुहाडा पेपर नहीं होने वाला, किदां तुसीं अपलाई करोगे, किहड़े किहड़े कैंडीडेट एलीजिबल होने वाले ने, पूरी जानकारी अज दी इस वीडियो मैं तुहानूं दवांगा। सो वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर देखियो। फर्स्ट टाइम तुसीं साडे चैनल ते आ रहे हो, चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब ते नाल दी नाल बैल आइकन भी दबा लिओ, ताकि हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट तुहानूं तुहाडे मोबाइल दे विच मिलदा रहे ते समां रहिंदे तुसीं इहदे लई अपलाई कर पाओ। वैकेंसीज़ की गल करां तां होर बहुत सारी वैकेंसीज़ ने जिन्हां नूं तुसीं साडी वैबसाइट ते जाके चैक करके अपलाई कर सकदे हो, जिहदे लई सिंपली तुसीं की करना है जी, जाना है गूगल दे विच और टाइप करना है meetacademy.xyz। दैट फर्स्ट नंबर की तुम्हें जी साड़ी वैबसाइट मिल जाएगी, उतो सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स तुम लै सकते हो, तो चैक करके अपलाई भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं जी रिक्रूटमेंट अपडेट के उपर, तो उत्थे जाके बाकी की इनफॉर्मेशन मैं तुम्हारे शेयर कर दें, तो उतों जाके बाकी इनफॉर्मेशन तुम्हें देना है जी। सब तो पहले गल करा तो यह नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों आउट किया गया जी, जिहड़ा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस दे लिए अपलाई करना जिहड़ा है जी 13 जून तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की गल करा 28 जून 2023 तक तुसी इहदे लई अपलाई कर सकते हो जी। नोटिफिकेशन नंबर तुसी इत्थे देख सकते हो। हुण गल करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो इस दे विच जिहड़े कैंडिडेट जनरल OBC ने उन्हां नूं इत्थे 100 रुपीज़ जिहड़े ने पे करने होणगे, और SC ST PWD कैंडिडेट नूं बिल्कुल नहीं लै किसी तरह की कोई पैसे जिहड़े ने उन्होंने पे नहीं करने। एज लिमिट की अगर मैं गल करा इस वैकेंसीज कि सब तो पहली जी है जी, इस BPM की पोस्ट ने, उस तो बाद ABPM की और डाक सेवक दोस्टा जी ने इस आउट की गई ने पंजाब के कैंडिडेट के लिए भी। उस तो बाद सैलरी की गल करा तो इस 12,000 जी तो लैके 29,300 जी सैलरी इस रहने वाली है जी। 15,000 प्लस पोस्टा जीडिया ने वो आउट की गई ने, मैरिट बेस से थोड़ी सिलैक्शन ये होनी है, किसी तरह का थोड़ा एग्जाम नहीं होना, कोई थोड़े टैसट नहीं होना, जिस तेजे मार्क्स आए हैं 10वीं उस दे बेसिस से थोड़ी जी इस मैरिट बनाई जाएगी, उस दे बेसिस से थोड़ी सिलेक्शन होएगी। और जो 10th पास कैंडिडेट ने वो एलीजिबल ने अपलाई कर सकते हैं, मतलब तुम 12th तो ग्रैजुएशन पास की हुई तो भी कर सकते हो, लेकिन 10th थोड़ा बेस जोड़ा वो होना जरूरी होएगा। एप्लीकेशन मोड की गल करा तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तुम्हें ये अपलाई करना है, कोई भी अदर मोड नहीं है जी। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा ये तुम देख सकते हो, ऑनलाइन अपलाई करने के लिए लिंक तुम्हें इतने मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुम्हें इतों डाउनलोड तुम करके देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन पहलों जोड़ा जी 12 तरीक तक सीधे अपलाई कर सकते थे, लेकिन इनू दोबारा जोड़ा जी उन्होंने एक्सटेंड कर दिता है, ठीक है जी। सो अज ही नोटिफिकेशन एक्सटेंड होया, सो तुम ये जरूर अपलाई कर लेना। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट होएगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके दस ही सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करके ही तुम्हें अपलाई करना पवेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन देता पोस्ट का, जाके अपलाई कर लियो। यह अज का नोटिफिकेशन मिलता जी, नवी नोटिफिकेशन के नवी वीडियो के, तद तक के लिए धन्यवाद जी।